जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग ग्रामर सीरीज का दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, द सेंटेंस, और उसके टाइप्स को भी देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के कंपोनेंट क्या होते हैं, मतलब वो किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बनता है, प्रेडिकेट के कंपोनेंट्स क्या है, वो किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा और वहाँ से आपने सीख लिया होगा कि वर्ड को सेंटेंस में कैसे हम अरेंज करते हैं, क्योंकि जब तक उनको सही से सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं सीखेंगे तब तक आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सेंटेंस की डेफिनेशन वही होती है। दूसरी चीज़ आपको मैं एक बार और एक चीज़ और बता दूँ कि इस चैनल पर एक वर्ड लिस्ट आप देखेंगे, चैनल पर जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को मैंने एक सिस्टमेटिक अरेंज कर दिया है। तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ढूंढेंगे, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के जितने भी वीडियो हैं उसमें, चाहे कंपोनेंट्स ऑफ सब्जेक्ट, कंपोनेंट ऑफ प्रेडिकेट या डिटर्मिनर क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी, तो वहाँ से देख सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिंक पर क्लिक करके सीधे आप उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं जो वीडियो आप देखना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस मैंने पहले ही बताया था, सेंटेंस होते क्या है, ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होता है, ठीक। लेकिन ये वर्ड का अरेंजमेंट ऐसा होता है जिससे कंप्लीट सेंस निकलता है, इनकम्प्लीट सेंस ना निकले, कंप्लीट सेंस निकलता है, उसी को हम सेंटेंस बोलते हैं। इंग्लिश में इसको आप बोलते हैं एन अरेंजमेंट of word that makes sense। sense देना चाहिए, उसमें sense नहीं होगा तो sentence नहीं कहलाएगा, ठीक है। भले ही अपने order को सही रखा हो लेकिन sense निकलना चाहिए, is called a sentence, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस के आप, यहाँ पे लड़के ज़्यादा कंफ्यूज करता है, वो सोचता है कि अगर सेंटेंस के टाइप्स हमने देखे तो यहाँ पे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव ये टाइप्स हैं, कि फिर उसके बाद से असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये दोनों में अंतर क्या है, तो मैं आज आपको क्लियर कर दूँ। सेंटेंस को, ये सेंटेंस का टाइप जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग सेंस के बेस पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर के बेस पे होता है, स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है सेंस के बेस पर। तो सेंस के बेस पर जो आप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अफर्मेटिव, फिर पढ़ते हैं आप निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये तीन तरीके के सेंटेंस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बनाते हैं, लेकिन ये तीन तरीके के सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। लेकिन जब हम ये स्ट्रक्चर के बेस पे, सेंस के बेस पे जब हम पढ़ते हैं इसको, तो हम पांच ग्रुप में इसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। इसमें नंबर वन हम लोग देखेंगे असर्टिव सेंटेंस, और फिर पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। ये पांच तरीके के सेंटेंस होते हैं सेंस के बेस पे। यानी आप सेंटेंस लिखेंगे कोई और उसके सेंस से ये कैटेगराइज कर देंगे कि वो किस तरीके का सेंस दे रहा है और कैसा सेंटेंस हम उसको बोलेंगे, ठीक है। उसको असर्टिव बोले, इंट्रोगेटिव बोले, इंपरेटिव बोले, एक्सक्लेमेटरी बोले या ऑप्टेटिव बोले। देखिए, अगर यहाँ पे पहचानना नहीं आएगा तो फिर आपको जब आप नरेशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए यहाँ से बेसिक से आप पढ़ना शुरू करिए और एडवांस लेवल तक जाइए, यानी कि लास्ट में कहाँ तक आप, कहाँ से आपको एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वहाँ पे जाएंगे तो ना आपको इंट्रोगेटिव पहचानना आएगा, ना असर्टिव पहचानना आएगा, ना इंपरेटिव पहचानना आएगा, तो उसको आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होंगी। तो इसलिए इसको लिंक कर लीजिए, ये सेंटेंस अगर पहचानना नहीं आया तो फिर आपको नरेशन नहीं पढ़ पाएंगे आप,
वही फिर रट्टा मारना होगा आपको। और मैं आपको श्योर करता हूँ कि ये सब सारी चीज़ें बहुत आसान होंगी और बिना इसकी मीनिंग हिंदी में जाने हुए। हम इसमें ये नहीं जानेंगे विस्मय बोधक वाक्य होता है या प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं इसको, ठीक है, तो संबोधन वाक्य, ये सब सारी चीज़ें नहीं जाननी। आपको बस इसको इंग्लिश में ही जान लेनी है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, क्योंकि जितने भी वर्ड हैं ये अपने आप में एक मीनिंग देते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये जो असर्टिव सेंटेंस, अगर आप पूछें कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, तो असर्टिव जो सेंटेंस होगा वो असर्ट वर्ड से बना हुआ है। एग्जैक्टली असर्ट से बना है असर्टिव। असर्ट एक वर्ब है। असर्ट का मतलब क्या होता है? टू स्टेट क्लियरली एंड फॉर्मली दैट समथिंग इज ट्रू। किसी चीज को आप स्टेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो कह रहा है सही कह रहा है। अब चाहे वो उसको आप सकारात्मक वे में या चाहे उसको आप नकारात्मक वे में बोलें। जैसे अगर मैं आपसे कहूं इट इज नॉट फेयर दैट यू आर वॉचिंग माई चैनल एंड यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट। मजाक कर रहा हूं, आपने सब्सक्राइब किया हो ना किया हो, बस इंजॉय करते रहिए वीडियो को। बस मैं ये कह रहा हूं कि असर्टिव सेंटेंस होते क्या है। असर्टिव जो वर्ड आया वो असर्ट वर्ड से आया है, ठीक है। तो अगर आपने असर्ट वर्ड को सीख लिया तो असर्टिव आपको पता होगा कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। सो असर्ट मींस टू स्टेट क्लियरली एंड फॉर्मली दैट समथिंग इज ट्रू। जो आप कह रहे हैं वो सही है। जैसे मैं कहूं आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, यानी मैंने इसको असर्ट किया कि मैं टीचर हूं। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता है आई एम नॉट अ टीचर। तो ये दोनों असर्टिव सेंटेंस कहलाएंगे। जो मैं ये फॉर्मली दावे के साथ ये मैं कह रहा हूं कि जो मैं ये चीजें कह रहा हूं वो सही है, ठीक है। तो अब उसमें पॉजिटिव सेंटेंस भी हो सकता है, उसमें नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। अगर आप ही कहें कि मैं एक लड़का हूं या मैं एक लड़की हूं, तो आप फॉर्मली जो कह रहे हैं वो सही है, चाहे उसको निगेटिव कहें चाहे उसको पॉजिटिव वे में कहें, ठीक है। मैंने कहा तुमने चोरी की है और आपने कहा कि मैंने चोरी नहीं की है, ये दोनों सेंटेंस भी आपके असर्टिव सेंटेंस में ही आएंगे। तो अब आपको इसमें याद नहीं करना है कि ये साधारण वाक्य हैं, ये ऐसे वाक्य हैं, ये वैसे वाक्य हैं। सो ये चीज़ें बाद में टफ हो जाएंगी, डबल प्रेशर पड़ेगा आपके ऊपर। तो असर्टिव को ऐसे ही समझिए कि ऐसा सेंटेंस, ऐसा स्टेटमेंट जो असर्ट करता हो, यानी क्लियरली ये बताता हो कि ये जो चीज़ मैंने कहा है वो सही है, ठीक है। आगे और भी डिस्कस करेंगे जब हम लोग सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रामर, आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रामर। नाउ ये भी मैंने असर्ट किया कि ये चीजें सही हैं, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अब ये कौन सा टेंस है वो चीज बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पे सेंटेंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये असर्टिव सेंटेंस है। आई होप ये चीज समझ में आ रही होंगी। आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो इंट्रोगेट करते हैं। अब इंट्रोगेट समझ ले तो इंट्रोगेटिव आसान हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहां पे मैं लिखता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आप समझ ही गए होंगे, बस इंट्रोगेटिव आपको समझना है। तो इंट्रोगेटिव जो ये बना है ये इंट्रोगेट वर्ड से बना है। इंट्रोगेट, इंट्रोगेट क्या होता है? किसी से इंट्रोगेट करना, इंट्रोगेट वर्ब है, क्रिया है। आप किसी से इंट्रोगेट करते हैं। इंट्रोगेट करने का मतलब क्या है? टू आस्क समबडी अ क्वेश्चन या अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। मैं लिख देता हूं दोनों, अ सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक पूछना होता है, जैसे आप आसान भाषा में समझ लें। हालांकि आसान सब लोग चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आसान के चक्कर में ज्यादा ना पड़ा करिए। जितना ज्यादा उसके डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, उतनी चीजें क्लियर होती जाएंगी। और खासतौर से अपने से मेहनत करना सीखिए, ठीक है। तो आई होप कि मेरे बातों को आप तवज्जो दे रहे होंगे और उसको फॉलो भी कर रहे होंगे।
तो ये चीज में देखिए, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेट वर्ड से आया है। इंट्रोगेट अगर समझ जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ जाएगा। तो इंट्रोगेट करने का मतलब क्या है? टू आस्क समबडी अ क्वेश्चन और अ सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक पूछना किसी से। जैसे मैं आपसे पूछूं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो आप बताएंगे जो भी नाम है, ठीक। लेकिन अगर मैं ये पूछूं तुम्हारा नाम क्या है, क्या कर रहे हो यहां पे, कहां से आए हो, कितने देर और रुकोगे, कोई काम धंधा है कि नहीं, ये लंबा लंबा क्वेश्चन किया आपसे, इंट्रोगेट मैंने किया, पूरी डेप्थ में आपसे जानकारी ली, दैट इज इंट्रोगेट। तो इंट्रोगेट, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होंगे? अगर क्वेश्चन, अगर कोई सेंटेंस ऐसा मैं लिखूं जिससे आपको यह लग रहा है कि इससे मुझे इंट्रोगेट किया जा रहा है, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहीं पर मैं डिस्कस कर देता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, क्योंकि बाद में मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अलग है। अलग है का मतलब ये कि आप देख रहे होंगे चीजों को, मेरा सोचने और समझाने का तरीका थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को एक ही जगह पे वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएं, बार बार उन चीज़ों को दोबारा रिपीट करने से वो चीज़ें कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाती हैं या कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। अब देखिए, जैसे मैं सेंटेंस ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर यू स्टूडेंट, आर यू स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो, ठीक। अब स्टूडेंट की हिंदी में नहीं बताने जा रहा, स्टूडेंट का मतलब छात्र होता है, ये होता है, वो होता है, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको इस तरीके के वर्ड नहीं समझ में आ रहे हैं तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, इसका मतलब और भी कमज़ोर हैं आप, यानी कि और भी 9th, 10th, 7th, 8th आपने सही से पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है। तो उसको भी, उन किताबों को भी अगर आप इस महामारी में अगर पढ़ लेते हैं तो और अच्छी बात है, और कुछ सीखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा मेहनत को बढ़ा लीजिए अगर आगे कुछ करना है तो। तो यहाँ पर मैंने कहा आर यू स्टूडेंट, क्या तुम स्टूडेंट हो, तो इसका आंसर आप यस या नो में देंगे, ठीक है। अगर मैं पूछूं व्हाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो, अब इसका आंसर यस या नो में नहीं दे पाएंगे आप। देखिए, यस नो में दे पाएंगे क्या, नहीं। अब इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव आंसर देना पड़ेगा आपको कि मैं लेट इसलिए हो गया, ट्रैफिक हो गई थी, या गाड़ी पंक्चर हो गई थी, या जो कुछ भी, नहाने में लेट हो गया, उठने में लेट हो गया, तो आपको उसका पूरा रीजन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखा मैं आपने कि एक मैंने सेंटेंस की शुरुआत करी है एक हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, और एक मैंने शुरुआत करी है WH वर्ड से, क्लियर है। तो अगर इस तरीके से वर्ब से शुरुआत करके कोई क्वेश्चन सेंटेंस बना जाए और WH वर्ड का यूज करते हुए अगर सेंटेंस बनाया जाए, तो ये दो तरीके के सेंटेंस बनेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। एक का आंसर यस या नो में दिया जाएगा और दूसरे का आंसर डिस्क्रिप्टिव दिया जाएगा, ठीक। ये इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, इसका रिलेशन नरेशन के साथ है, तो नरेशन को ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ा रहा हूं। अगर यहां पे ये चीजें मिस कर रही हैं तो वहां पे बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो चीजें आसान हो जाएंगी। देखिए, क्या मैं बताऊं, सिलसिला बहुत ही पुराना चला आ रहा है कि इन चीजों को लोग अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं, फिर उसके बाद से जाकर नरेशन और वॉइस में खूब लंबा एक महीने का लेक्चर लेंगे। मोहब्बत से पढ़ा दो अगर इसको, इन सब सारी चीजों को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को, टेंस को और वर्ब को, फिर उसके बाद से नरेशन वॉइस में कोई दिक्कत ही नहीं है। नरेशन वॉइस तो एक से दो दिन का काम है बस, लेकिन इन चीज़ों को डिटेल्स में आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे जाके उसको रट्टा मार के चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आएगी नहीं फिर। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान से समझ लीजिए, आई होप कि आगे आने वाली चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया, आते हैं आगे इंपरेटिव सेंटेंस पे। इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिससे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंप्लोर, बिसीज, सब सेंस वही है। ऑर्डर या रिक्वेस्ट का अगर सेंस आ रहा है
बेग सब उसी के, मैं सिनोनिम्स लिख रहा हूँ इधर। तो अगर कोई सेंटेंस आपने ऐसा लिखा जिसमें ऑर्डर का सेंस आ रहा है, रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे अगर आपने किसी से कहा शट द डोर, तो आप हो सकता है किसी को ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है। या इसी में कहीं प्लीज लगा दिया आपने, प्लीज शट द डोर, तो रिक्वेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अगर कहा जाए ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट गो आउटसाइड, तो सेंटेंस को देखकर, सेंटेंस के सेंस को समझकर आप उसके टाइप्स को पहचान सकते हैं, कौन सा टाइप है, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, कैसा सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होगा, ऐसे सेंटेंस जिससे ऑर्डर का सेंस निकलना हो या रिक्वेस्ट, यानी सेंटेंस का सेंस समझना जरूरी होगा। ये देखिए ध्यान से, अगर इसकी मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रही है तो सेंटेंस के टाइप को नहीं बता सकते ये कौन सा सेंटेंस होगा, फंस जाएंगे आप। तो सेंटेंस को समझना सीखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे समझ में आएंगे, ठीक है। आप अब ये नहीं कि अब सोचे कि यार ये तो बड़ा स्टैंडर्ड इस तरीके की पढ़ाई है, कुछ ही स्टैंडर्ड है नहीं, बहुत ही बेसिक चीज़ में पढ़ा रहा हूँ। हाँ, लेकिन हो सकता है मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग हो, ठीक है। ज़्यादा मैं हिंदी पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, हिंदी में चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं तो खुद उससे आप डिक्शनरी सर्च करें, और डिक्शनरी जब आप सर्च करेंगे तो उसकी मीनिंग आपको निकल के सामने आए। कुछ मेहनत करना पड़ेगा आपको, पका पकाया खाने की आदत होगी तो दिक्कत आ जाएगी बाद में, कहीं बाहर जाकर रहना पड़ा तो वहाँ खुद पकाना पड़ता है, तो अभी से पकाना सीख लो। यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया, आई होप सो, दो तीन सेंटेंस से। अभी आगे हम लोग एक्सरसाइज जब करेंगे तो उसमें आपको खुद देखना पड़ेगा कौन सा सेंटेंस है। चलिए आगे देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सी, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आपके फीलिंग्स को दिखाते हैं, सडन फीलिंग्स। अब कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस हमारा सडन फीलिंग्स को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो उसके सेंस को समझना पड़ेगा आपको, मीनिंग को समझना पड़ेगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी आप सेंटेंस को पढ़ें तो उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड बना है, ये एक्सक्लेम वर्ड से बना हुआ है, एक्सक्लेम वर्ब है, ठीक है, एक्सक्लेम से ही बना है एक्सक्लेमेशन, और इसी से बना है एक्सक्लेमेटरी। ये तीनों अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक्सक्लेम वर्ब है, एक्सक्लेमेशन नाउन है, एक्सक्लेमेटरी जो बनेगा वो एडजेक्टिव बनेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक। इसके पहले मैंने गलती से एक स्पेलिंग गलत कर दिया था, मतलब वो हो जाता है, वो ह्यूमन एरर है, लिखते समय बोलते समय दिमाग कहीं और रहता है, लिखता कुछ और आदमी। तो जैसे अगर मैंने इम्प्लोर बोला, इम्प्लोर, तो इम्प्लोर के स्पेलिंग ये होती है, ध्यान रखिएगा, उसमें ओ छूट गया या एल छूट गया, तो इसको माइंड मत करिएगा, ठीक। और उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि कोई वर्ड आप बोल रहे हैं और वो स्पेलिंग उसमें कहीं लिखने में गलती हो जाएगी, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि उस टीचर को वो आता नहीं है, अगर उसको एक्सक्लेमेटरी के स्पेलिंग आती है तो ये सब बहुत छोटे छोटे वर्ड हैं, ठीक है। एक और भी वर्ड कोई मैंने गलती से लिख दिया था, चलिए उसको आप देख लीजिएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या है, कि ऐसे सेंटेंस जो आपके फीलिंग्स को दिखाते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, ओह, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, अलास, हुर्रा, ठीक है, ओ माय गॉड, ये सब सारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड हैं जो आपके फीलिंग्स को दिखाएंगे। एक्सक्लेम करने का मतलब ही होता है टू से समथिंग सडनली एंड लाउडली, यानी किसी चीज को अचानक कहना और लाउडली कहना, ये नहीं कि सोच विचार के कहना।
अचानक वो चीज़ें हो जाए, जैसे आपने कोई आप कहीं पर गए हुए हैं और आपको वो प्लेस बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपको अंदर से अचानक वो आवाज़ निकलेगी, व्हाट अ प्लेस इट इज, व्हाट अ प्लेस इट इज, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। पड़ोस में कोई मर गया आज, उसकी आपने सुनी कि अरे यार वो तो पड़ोसी मर गया, अब पड़ोसी मर गया तो अब ये खुशी की बात तो है नहीं, तो अचानक आपके आपकी फीलिंग्स आएगी, ओह ही डेड, ही इज डेड, ठीक। रात में मैच देख रहे हैं, लाइट कट गई, अब पता नहीं कि वो मैच कोई हारा जीता, सुबह आपने उसकी रिजल्ट किसी और से सुना, करे भाई इंडिया तो मैच जीत गई, अचानक आपके अंदर से एक आवाज निकली, हुर्रा, या मैच खेल रहे हैं और जीत गए, तब भी ये एक्सप्रेशन तुरंत निकलेगा, सडन निकलेगा, इन्हें सोचने के बाद कुछ कहेंगे, हुर्रा वी वन द मैच, या इंडिया वन द मैच। किसी भी तरीके से अगर आप इस तरीके के सेंटेंस को कह रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि आप अचानक अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, या सडन एक्सप्रेसिंग वर्ड को आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूज करते हुए आप सेंटेंस को बना रहे हैं, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब आगे इसके बाद से चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये देखिए, ये भी बना है ऑप्ट से, ऑप्ट से बना है ऑप्टेटिव। अब ऑप्ट जिसको पता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस बिल्कुल आसान है उसके लिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑप्ट से बना हुआ है। ऑप्ट का मतलब होता है टू चूज समथिंग, ऑप्ट करना। अब क्या चूज करना है आपको? चूज करना है कि किसको आपको कर्स करना है, किसको आपको प्रे करना है। सी, अगर ये सेंस, कर्स और प्रे करने का सेंस किसी सेंटेंस से निकल रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। या विश का भी सेंस निकलता है तो वो भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो जनरली इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो मे से शुरू होते हैं, जनरली, ऑलवेज नहीं। जैसे मैंने कहा, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप दीर्घायु हो, ऊपर वाला करे कि आप दीर्घायु हो, लंबा जिए। मे यू वन द इलेक्शन, नॉट वन, विन द इलेक्शन। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही लिखिएगा, ठीक है। फिर लॉन्ग लिव द किंग। अब देखिए यहां पे मैंने मे का यूज नहीं किया, किसी के दीर्घायु होने के लिए बात कर रहे हैं, तो ये सब सारा प्रे कर रहे हैं, आप प्रे कर रहे हैं, लॉन्ग लिव इंडिया, ठीक है, लॉन्ग लिव इंडिया। जैसे शुरू में आपको ग्रीट करता हूं, जय हिंद, उसी की इंग्लिश है लॉन्ग लिव इंडिया। अगर मैं कहूं मे ही डाय, अब यहां पे मैं कर्स कर रहा हूं, मे ही डाय, तो ऐसे सेंटेंस जिससे कर्स करने का सेंस निकले, प्रे करने का सेंस निकले, या विश का सेंस निकले, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेंटेंस के जितने भी टाइप्स होते हैं वो चीज हम लोगों ने यहां पर सीख लिया। अब इसके बाद से हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उसको आप एक्सरसाइज करिए, देखिए कि कितना आपको समझ में आया। ऑलराइट, तो चलिए हम इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमने जो इसके पहले अभी पढ़ा सेंटेंस के टाइप्स, वो हम लोगों को समझ में कितना आया, ठीक है। तो तैयार हैं आप सब लोग, शुरू किया जाए। तो एक बार चेक करिए, अपने से ही चेक करिए कि इनमें से कितने क्वेश्चन को आप कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर इनमें से 8 क्वेश्चन आप सही कर ले जाते हैं तो इसका मतलब कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बिलो 5 हैं, 5 से नीचे हैं क्वेश्चन को, इसका मतलब एक बार और वीडियो को देखने की ज़रूरत है और एक बार और इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कोशिश किया होगा आप लोगों ने, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो सेंटेंस को समझना ज़रूरी है, उसकी मीनिंग क्या निकल रही है। जब तक मीनिंग नहीं निकलेगी आप सेंटेंस के टाइप को नहीं बता पाएंगे कि किस तरीके का सेंटेंस है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी, प्लीज़, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव है। तो इसका मतलब क्या, इसमें एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो अब देखिए कि रिक्वेस्ट और ऑर्डर को दिखाने वाला कौन सा सेंटेंस था, तो वो सेंटेंस था इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव। ठीक है, एक और इंपरेटिव की विशेषता होती है, ये जब भी शुरू होता है तो वर्ब से शुरू होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ना यहां पे वॉक केयरफुली, ध्यान से काम करो, वॉक केयरफुली ऑर्डर कर रहा है, ये भी इंपरेटिव हो जाएगा। इसका मतलब इंपरेटिव वर्ब से शुरू हो रहा है, वर्क करना है, कैसे करना है, केयरफुली करना है। आई होप कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझ में आ रहा होगा, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब होगा। शी मे डाई, कैसा सेंटेंस है, शी मे डाई, एक्सक्लेम्ड कर रहे हैं यहां पे, या ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्ट कर रहे हैं, किसी के लिए कर्स कर रहे हैं आप कि वो मर जाए, ये भगवान करे वो मर जाए। तो चूंकि इस तरीके के जब सेंस आते हैं, जब आप किसी के लिए प्रे करते हैं या कर्स करते हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है, तो ये हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें भी एक्सक्लेमेटरी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसमें भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो इससे आप पहचानने की कोशिश मत करिएगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, अक्सर लड़के यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, उनको शॉर्ट ट्रिक्स बता दी जाती है कि जहाँ पे ये दिख जाए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नहीं, सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता, तो वह स्कूल नहीं जाता, ये आप एसर्ट कर रहे हैं भाई वो ये काम नहीं करता, तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया, एसर्टिव सेंटेंस, असर्टिव। दे आर ब्रेव, वे ब्रेव हैं, आप खुद असर्ट कर रहे हैं, अरे वे लोग बहुत बहादुर हैं, असर्टिव ये भी होगा सेंटेंस। फिर यहां पे क्या है, नॉनसेंस, नॉनसेंस आप अचानक कहते हैं, जैसे कोई आप चीजों को समझा रहे हैं कि भाई ऐसे कर लो ऐसे कर लो, फिर भी वो नहीं कर रहे, नॉनसेंस कहीं का। तो ये नॉनसेंस जो होता है ना, वो अचानक आपके हृदय से एक उद्गार निकलता है, ये आपकी फीलिंग्स है जो उसके बारे में आप कह रहे हैं, नॉनसेंस, बेवकूफ कहीं का, तो नॉनसेंस, ठीक है ना, स्ट्रांग फीलिंग शो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी। व्हाट एन आइडिया, वाओ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको कोई विचार आया, सर ऐसे नहीं, इसको आप ऐसे कर दीजिए तो बेहतर होगा, वाओ व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया, ये भी आप अपने फीलिंग्स को शो कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो मुझे उम्मीद है कि आप आइंदा जब भी चीजों को पढ़ेंगे तो समझते हुए पढ़ेंगे, रटने की ये शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, जिसका मैं बहुत ज्यादा विरोध करता हूं। आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो भाई, वर्ब से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, आर यू प्लेइंग, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेट किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। इज ही अ फार्मर, क्या वो एक फार्मर है, क्या वो किसान है, बिल्कुल, ये भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। व्हाट इज योर नेम, ये भी पूछा जा रहा है, क्या नाम है, बस अंतर यही है कि ये डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है और ये हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहा है। व्हाट इज योर नेम, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन सेंटेंस को देखिए, मे यू बिकम रिच, भगवान करे आप जल्दी से आप रिच हो जाए, कौन सा सेंटेंस, आप किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रे करने वाले, कर्स करने वाले, ऑप्टेटिव, ऑप्ट से बना हुआ है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्ट कर रहे हैं कि ये करना है ये नहीं करना है, ठीक है, उसको प्रे करना है उसके लिए कर्स करना है। मे यू विन द इलेक्शन, आप जब किसी के सपोर्टर बनते हैं, सपोर्टर होते तो कहते हैं भगवान करे वो जीत जाए इलेक्शन, तो ये भी आपका क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस देखिए, लॉन्ग लिव वर्किंग, भगवान करे कि हमारे राजा की उम्र और ज्यादा हो, दीर्घायु हो, तो ये भी आपने प्रे किया, तो ये भी क्या हो गया आपके लिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इतने सारे क्वेश्चन पे एक्सरसाइज किया, और भी बहुत सारे एक्सरसाइज दिए हुए हैं आपके बुक में, आप इनका एक्सरसाइज करिए,
ठीक है। इनके बाद से मैं आपको और एक्सरसाइजेस कराऊंगा यहाँ पे, जो हम लोगों का अगला टॉपिक होगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि सेंटेंस को चेंज करना, अफर्मेटिव से निगेटिव में, निगेटिव से इंट्रोगेटिव वगैरह, इस समय चेंज करना, बहुत सारे एक्सरसाइज दिए हुए हैं, एक भी एक्सरसाइज छोड़ना नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि सारे एक्सरसाइज से मिलाकर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं तैयार करूं और उन सभी की एक्सरसाइज मैं आपको करा दूं। तो आई होप कि लगभग सबके एक्सरसाइजेस हम लोगों ने देख लिए यहाँ पे, असर्टिव का देख लिया हम लोगों ने, ठीक है, इंपरेटिव का देख लिया, इंपरेटिव, यस इंपरेटिव देख लिया, एक्सक्लेमेटरी देख लिया, ऑप्टेटिव देख लिया, इंट्रोगेटिव देख लिया, ठीक है ना, सारे एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा, और फिर अगेन वही रिक्वेस्ट कि अगर आपको पसंद आ रहा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करिए कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।